मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा अचानक जिले के 3 बेसिक स्कूलों का किया गया निरीक्षण। डीएम ने स्कूल की व्यवस्थाएं चेक करने के साथ पढ़ाई की गुणवत्ता को भी परखा, जिसमें 3 में से 2 स्कूल हुए फेल। एक स्कूल के टीचर का वेतन अगले आदेशों तक रोकने की दी आदेश। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। मुरादाबाद के प्रोफेसर की बहू ने ससुरालियों पर लगाया आरोप। पति मॉल्डन कच्चल के नाम पर दोस्तों के साथ वाइफ सेफिंग ग्रुप में शामिल होने एवं ड्रग्स लेने को डालता है दबाव। धामपुर में प्राचीन कालिया वाले मंदिर पर माता रानी के 7वें नवरात्र के दिन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस रही मौजूद। महिला पुलिस कर्मियों ने नारी शक्ति मिशन के बारे में महिलाओं को दी जानकारी। मुरादाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि महिला की पैसों की डिमांड से था परेशान। महिला आए दिन करती थी पैसों की डिमांड, इसी कारण 26 बीघा बेच चुका था जमीन। सिहारा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते सब्जी बेच रहे 2 लोग बिजली के करंट से झुलसे। आनंद फानन में घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। नूरपुर में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। CHC में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खुशीराम सहित पशुपालन विभाग की टीम ने विकास खंड के कर्मचारियों के सहयोग से अभियान चलाकर 25 हिंसक सांड पकड़े। सभी पशुओं की गई टैगिंग। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में हाई टेंशन लाइन से टच हुआ ई-रिक्शा। ई-रिक्शा में आग लगने से चालक के बेटे की जिंदा जलकर हुई मौत। रिक्शा चालक सहित 2 लोग झुलसे। हायर सेंटर किया गया रेफर। अमरोहा में मीट दुकानदार ने नाबालिग बच्चे को चप्पलों से पीटा। बच्चे पर 25,000 रुपए चोरी करने का लगाया आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। संभल में निजी अस्पताल में कर्मचारियों की गुंडई आई सामने। डेंगू पीड़ित बच्चे की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मौत से गुस्साए परिजनों के विरोध करने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने परिजनों को पीटा। धामपुर नगर की धार्मिक संस्था श्री शारदीय मां दुर्गा उत्सव समिति की ओर से चल रहे 5 दिवसीय शारदीय मां दुर्गा उत्सव समारोह में माता रानी के चरणों में समर्पित भक्तों एवं समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। इस दौरान माता रानी के पारंपरिक जयकारों से गुजा कार्यक्रम स्थल। चांदपुर में संपूर्ण समाधान के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा की गई जनसुनवाई। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए दिशा निर्देश। धामपुर शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगर में टेम्पो स्टैंड का कार्य हुआ शुरू। पालिका अध्यक्ष रवि चौधरी और अधिशासी अधिकारी द्वारा
संयुक्त रूप से भूमि पूजन व नारियल फोड़कर किया गया शुभारंभ। बिजनौर के रायपुर सादात थाना क्षेत्र में खनन के ओवरलोड डंपर से टूटी विद्युत लाइन टूटने से बड़ा हादसा होने से टला। ग्रामीणों का आरोप, लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा कोई निस्तारण। नहटौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्राथमिक शिक्षा वर्ग के समापन पर नगर में निकाला गया पथ संचलन। पथ संचलन पर भाजपा की प्रांतीय पार्षद और धामपुर की पूर्व चेयरमैन लीना सिंगल एवं आशीष सिंगल द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,